एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है इस पे एंड ये है वाओ का एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश एंड ये है विद एक्टिवेटेड चारकोल बीड्स एंड इसमें है टी ट्री ऑयल। सो ये वाला फेस वॉश मैंने अमेजोन से लिया था बट ये वाओ का प्रोडक्ट है एंड वाओ के प्रोडक्ट्स तो हर जगह मिल जाते हैं, तो आपको नायका, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील हर जगह आपको और ऑल्सो इनके खुद के वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। तो एक्टिवेटेड चारकोल हम सबको पता है कि 3-4 ईयर्स से काफ़ी ज़्यादा टू थ्री ईयर्स से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग एक इंग्रेडिएंट है जो आपके जितने भी डर्ट्स होते हैं स्किन में, जितना भी सीबम होता है, जितना भी पल्यूटेंस आपकी स्किन में स्टिक हो जाता है, पोर्स में स्टिक हो जाता है, वो इसको एक मैग्नेट की तरह खींच लेता है। इसमें है टी ट्री ऑयल हम सबको पता है कि जितने भी आपको पिंपल्स आते हैं उन सबको फेड आउट करने में, आपके जितने भी ब्लेमिशेज या स्कार उन्हें फेड आउट करने में बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है। ये इस तरीके का प्रोडक्ट है जो कि ऑल स्किन टाइप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मेड भी ऑयली कॉम्बिनेशन, ड्राई, नॉर्मल स्किन टाइप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। सो ये इस तरीके के पैकेजिंग के साथ आता है। वाओ के जितने भी प्रोडक्ट्स हम सबको पता है कि इसमें कोई भी पैराबेंस, मिनरल ऑयल, सल्फेट, इस तरीके का कोई हार्मफुल केमिकल नहीं होता है। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसमें डालते हैं ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्किन फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स होते हैं, प्लस कोई भी हार्श केमिकल्स इसमें होते नहीं है। तो इसमें यहाँ पे लिखा है कि इसमें कोई भी पैराबेन, सल्फेट, सिलिकॉन एंड कोई भी कलर बिल्कुल भी नहीं है, तो आपके स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। प्लस इट इज़ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। सो इसमें है 100% नेचुरल बायो एक्टिव्स एंड ये क्या करता है, इस फेस वॉश के थोड़े बहुत फीचर्स दिए हुए ऑन द फेस ऑफ द पैकेजिंग। तो इट लिफ्ट्स ऑफ ऑल द पल्यूटेंट्स, टॉक्सिन्स एंड डर्ट्स एंड इट इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स इंक्लूडिंग एक्ने प्रोन स्किन। तो एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि एक्ने प्रोन स्किन पे अगर आप कुछ भी इस तरीके का कोई भी लेकिन हार्श प्रोडक्ट लगाओगे तो उनके स्किन को सूट नहीं करेगा एंड जितने भी एक्नेज उनके ऑलरेडी है वो इन्फ्लेम हो सकते हैं। सो दिस इज अ रियली नाइस प्रोडक्ट, सेंसिटिव स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। इट इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड 100 ml का आपको इसमें प्रोडक्ट मिलता है एंड इसका प्राइस है 299 rupees बट ये मुझे डिस्काउंटेड रेट में मिला था। इसे मैंने मेरी एक हॉल वीडियो में दिखाया था, काफ़ी ह्यूज सा हॉल वीडियो किया था, अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। रियली डोंट रिमेंबर कि मुझे कितने में मिला था बट आई एम प्रिटी श्योर कि मुझे ये डिस्काउंटेड रेट में मिला एंड 50 rupees से ज़्यादा का डिस्काउंट मिला था। बट anyway, मैं इसके जितने भी जहाँ पे भी मुझे लिंक्स इसके मिलते हैं वो सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो वहाँ से आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो कि क्या रेट्स में आपको मिलता है। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये फेस वॉश यूज़ करने से आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा, आपकी स्किन की जो जितने भी टॉक्सिन्स है, जितना डर्ट है, ये आपकी स्किन से खींच लेगा। प्लस टी ट्री ऑयल, इसमें टी ट्री एसेंशियल ऑयल दिया हुआ है जो आपकी स्किन को हील करता है, डिसइन्फेक्ट करता है, जितने भी पिंपल्स एंड बैक्टीरियाज होते हैं उसे क्लीन कर देता है एंड आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा सूद करता है, काम करता है, आपके जितने भी एक्ने हैं उसे रिड्यूस करता है, आपकी स्किन को हील करता है। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा है किस तरीके से आपको यूज़ करना है एंड जनरली हम फेस वॉश कैसे करते हैं, वी वेट आर फेस। फेस वॉश करने से पहले वेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फेस वेट करके ही फेस वॉश लगाना। तो जनरली हम बस इसी तरीके से सर्कुलर मोशन में रब करते हैं फॉर लाइक 10-15 seconds और उसके बाद फेस वॉश करते हैं। तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको 1-2 minutes तक अपने फिंगर टिप से इसे मसाज करना है ताकि इसके जितने भी बीड्स है, जितने भी एसेंशियल ऑयल्स है, आपके पोर्स में जाके आपके पोर्स को क्लीन करें और उसके बाद ही आपको लूक वार्म वाटर या फिर नॉर्मल वाटर से इसे वॉश कर देना है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो मई 2019 में बना था एंड अप्रैल 2021 तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। सो 3 ईयर्स का इसका शेल्फ लाइफ है। नाउ ये इस तरीके के पैकेजिंग में दिखता है, पैकेजिंग आप देख सकते हो, ट्यूब के पैकेजिंग में आता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है एंड मैंने इसका काफ़ी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया है। आप देख सकते हो मैं थोड़े टाइम से इसे इस्तेमाल कर रही हूँ एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। एंड इसमें जैसे कि बोला था कि इसमें बीड्स है, मेंशन ही है इसमें एक्टिवेटेड चारकोल बीड्स है, तो ये जब स्किन में अगर आप लगाते हो बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है। तो जितना भी इन्फॉर्मेशन बॉक्स पे दिया हुआ है वो सब इन्फॉर्मेशन इस ट्यूब पे दिया हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा हैंडी है। प्लस जो मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड ऑल है वो भी सब इस पे दिया हुआ है, तो अलग से आपको ये वाला जो पैकेजिंग है ये रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो यूज़ करने की अगर बात आती है तो एक छोटा सा डॉलप आपने लेना है, अच्छी तरीके से मसाज करना है वेट फेस पे, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से लैदर होता है एंड इसका टेक्सचर ऐसा है कि अगर आप फेस वॉश करोगे तो ड्राई स्किन जिनकी है वो उनको बहुत ही ज़्यादा ड्राई फील नहीं होगा, डेफिनेटली योर फेस
फील्स वेरी क्लीन, बट अगर आप फेस को थोड़ा सा भी स्ट्रेच करोगे तो बिल्कुल भी एक्सेस में ड्राई, आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील नहीं होगा. तो ये सारे स्किन टाइप्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऑयली स्किन वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो एक्सेस ऑयल है वो उसे निकालता है एंड ड्राई स्किन वालों का जितना भी डर्ट एंड ऑयल है वो निकालता है. जो आपके ड्राई स्किन वाले हैं उनको एक्स्ट्रा ड्राई फील नहीं होगा एंड ऑयली स्किन वालों के फेस से बहुत ज़्यादा ऑयल भी एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा. सो इट्स परफेक्ट फॉर ऑल स्किन टाइप्स. मैंने इसे काफ़ी टाइम तक मॉर्निंग एंड डे टाइम के मॉर्निंग एंड नाइट टाइम के लिए कंटिन्यूसली यूज़ किया था, बिकॉज मॉर्निंग ऑफिस जाने से पहले मैं इसे लगाती थी, उसके बाद अपना स्किन केयर करती थी एंड रात को ऑफकोर्स मैं फेस वॉश करके उसके बाद स्किन केयर करती थी. तो जितने भी टाइम मैंने इसे यूज़ किया डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा फ्रेश फीलिंग आती है एंड आई हैड अ लॉट ऑफ एक्ने मार्क्स ऑफ यर. नाउ आई हैव दीज बम्स क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने एक फाउंडेशन इस्तेमाल किया था, 4-5 दिन के लिए, काफ़ी टाइम के लिए मैंने उसे रखा था एंड बाद में मैंने नोटिस किया था कि फाउंडेशन एक्सपायर हो गया था. बाकी ये सारी जो चीज़ें मैं स्किन केयर के लिए जो कुछ भी अभी मैं आपको दिखा रही हूँ वो मैं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ, सो आई नो दैट इट इज़ नॉट द प्रोडक्ट्स एंड डेफिनेटली ये प्रोडक्ट्स मैं कंटिन्यू करूँगी यूज़ करना. तो ये जो जितने भी बम्स है प्लीज़ इग्नोर दिस, ये वो फाउंडेशन की वजह से है जो एक्सपायर हो चुका था. ये वाला जो प्रोडक्ट है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड आपके जितने भी लाइक नो मार्क्स है उसे लाइक जितने भी पिम्पल्स है उसे धीरे धीरे क्लीन करेगा. ऐसा नहीं है कि आप एक बार ही दो बार यूज़ करोगे तो आपको आपके पिंपल्स एकदम चले जाएंगे. तो यह धीरे धीरे मैंने देखा था कि मेरे यहाँ पे जो मेजर पिंपल्स थे वो जा रहे थे. प्लीज़ इग्नोर दिस, दिस इज़ अगेन बिकॉज ऑफ द फाउंडेशन. ये प्रोडक्ट सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा है. अगर आप मेरे बातों पे ट्रस्ट नहीं करते, आई ऑलवेज से दैट वाओ के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो आप डेफिनेटली अमेजोन या फ्लिपकार्ट इनके रिव्यूज़ चेक कर सकते हो. इनकी रेटिंग हमेशा 4 से ज़्यादा 4.5 से ज़्यादा अच्छे होते हैं एंड वो सारे लेकिन हम जैसे कस्टमर्स ही रेटिंग देते हैं, तो इंडिविजुअल कस्टमर्स देते हैं सारे, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट जगहों से रेटिंग देते हैं. तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, ट्रस्टवर्दी ब्रांड है एंड ये प्रोडक्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. अगर आपको ये ख़रीदना है, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, अगर आपको इसे खरीदना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से आप प्राइस एंड ऑल चेकआउट कर सकते हो. बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है ये. दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा. इफ यस देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.